बुधवार की शाम जियो ने एक घोषणा के साथ अपने यूजर्स को झटका दिया। जियो ने घोषणा में कहा कि कंपनी के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग फ्री नहीं रहेगी, यानी इसके लिए ग्राहकों को अब दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए नया टॉपअप रिचार्ज लेना होगा। वहीं अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोडाफोन आइडिया नेटवर्क के बाहर किए गए कॉल के लिए यूजर्स से अलग से बिलिंग कराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसी तरह एयरटेल ने भी साफ किया है कि कंपनी कोई अतिरिक्त चार्ज वसूल नहीं करेगी। ILUC पर जियो के फैसले के बाद वोडाफोन ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया कि कंपनी अपने ग्राहकों से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेगी। कंपनी ने कहा कि हमने जो वादा किया था हम उस पर कायम हैं। ग्राहक वोडाफोन अनलिमिटेड प्लान्स पर फ्री कॉल्स का लाभ पा सकते हैं। वोडाफोन ने कहा कि हम अपने ग्राहकों पर इस काम का बोझ नहीं देना चाहते कि वो हर बार ये चेक करें कि कॉल ऑफ नेट किया जा रहा है या ऑन नेट। न्यूज 18 के साथ शेयर किए गए एक स्टेटमेंट में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने पर IUC चार्ज वसूलने का निर्णय न केवल अनुचित जल्दबाजी का नतीजा है, बल्कि ये इस फैक्ट को भी सामने नहीं लाता है कि इंटरकनेक्ट ऑपरेटर्स के बीच आपसी सेटलमेंट का हिस्सा है और इसका ग्राहकों के लिए कीमत तय करने में कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह एयरटेल ने भी एक यूजर को रिप्लाई करते हुए कहा कि कंपनी के अनलिमिटेड पैक्स कॉलिंग के लिए वास्तव में अनलिमिटेड ही रहेंगे। यूजर्स अनलिमिटेड पैक्स में भारत में कहीं भी फ्री लोकल STD और रोमिंग कॉल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए कंपनी कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेगी। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने 9 अक्टूबर को ये घोषणा की कि 10 अक्टूबर से ग्राहकों को किसी ऑफ नेट यानी दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 6 पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना होगा। साथ ही कंपनी ने ₹10 की शुरुआती कीमत पर टॉपअप पैक्स को भी लॉन्च किया है। इन टॉपअप पैक्स की अच्छी बात यह है कि इनमें एडिशनल डेटा मिलेगा। तो दोस्तों ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बैल का आइकन देख रहे हैं इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।